फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड सुरु, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ आई एम हियर। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के भाई जान यानी सलमान खान को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सलमान खान धमाके पे धमाके किए जा रहे हैं। आपको पता है कि सलमान खान आजकल सिकंदर की शूटिंग को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं। इसी बीच उनकी नई फिल्म, जैसे कि आपको पता है, जो कि इटली के साथ होने वाली है। आपको बता दें 2023 दिसंबर में गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर में नजर आए थे इटली कुमार। तो इस वक्त से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि सलमान खान इटली के साथ काम करेंगे। अरे, आपको लोगों ने ये अंदाजा लगाया था कि शायद वो दबंग 4 हो, बट उसको अरबाज खान ने खुद ऑफिशियली क्लियर किया था। बट कुछ दिन पहले तमिल न्यूज से ये चीज कंफर्म हुई है कि इटली की नेक्स्ट फिल्म सलमान खान के साथ होने वाली है और ये दो हीरो वाली फिल्म होगी। आपको पता है कि सलमान खान के साथ दूसरे हीरो वो कमल हसन है। लेकिन बता दूं आपको, इससे पहले रणवीर सिंह और रजनीकांत का नाम आ रहा था, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट आज की है उसके हिसाब से सलमान खान के साथ कमल हसन नजर आएंगे। और इटली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर #A6 है, जो कि ये कंफर्म है कि इटली की 6th फिल्म आ रही है। आपको बता दें कि इटली कुमार फिलहाल अभी एक नई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम जॉन बेबी है, जिसमें वरुण धवन नजर आएंगे और ये फिल्म दिसंबर 2024 में रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सलमान खान का जबरदस्त कैमियो होगा। आपको ये भी बता दें, सलमान खान इटली की फिल्म 2025 जनवरी में स्टार्ट हो सकती है, अगर सलमान खान फ्री रहे तो। क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग सलमान खान सिकंदर फिल्म के बाद द बुल में काम करेंगे। आपको पता है कि इटली ने लास्ट फिल्म जवान डायरेक्ट की थी, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और बॉलीवुड की #1 फिल्म बनी थी। इटली ने जो हिसाब से शाहरुख खान को प्रेजेंट किया था वो जबरदस्त था। अगर वही इटली ने बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान को रिप्रेजेंट किया तो बॉक्स ऑफिस में मानो तबाही मच जाएगी। और आपका इस फिल्म को लेकर क्या कहना है प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।